आए दिन देश में जहां 18th लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर हलचल मची है या फिर नीट के रिजल्ट काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, देश में चाहे जो हो जाए वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही है। यहां हम और किसी मैटर की नहीं बल्कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की बात कर रहे हैं, जिसने कि लोगों के सर में दर्द कर दिया है कि आखिर 2 साल की जांच के बावजूद भी ये मामला खत्म क्यों नहीं हुआ है और क्यों आए दिन इस केस में अभी तक CBI और ED दोनों द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किए ही जा रही है। हालांकि बीते दिन इस केस की एक अक्यूज्ड की हियरिंग के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा क्यों गुस्सा दिखी है और क्यों वे कहने पर मजबूर हो गई है कि स्कैम में जल्दी ट्रायल करने की सख्त जरूरत है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि अब किस लीडर ने दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के इंटरिम बेल ऑर्डर का जिक्र अपनी हियरिंग में किया है और क्या केजरीवाल की पर्सनल एड बिभव कुमार को कोई राहत जल्दी मिलेगी या नहीं, वो भी आगे देखते हैं। इन सब के बावजूद आपको बता दे कि स्पीडी डिस्पोजल का पॉइंट अब तक स्कैम केस की सुनवाई के दौरान हर कोर्ट ने उठाया है, जहां अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अरविंद कुमार और संदीप मेहता की बेंच ने मनीष सिसोदिया के केस में भी ED और CBI को एक फाइनल चार्जशीट फाइल करने के ऑर्डर्स दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की रेगुलर बेल प्री को 14 जून तक के लिए शिफ्ट किया गया है, इसलिए भी क्योंकि ED ने एकदम एंड मोमेंट में 182 पेजेस का रिप्लाई फाइल करते हुए दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को झटका दे दिया था। हालांकि लोग अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के इंटरिम ऑर्डर से ही नहीं उभरे थे, जिसने कि दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए जेल के बाहर निकाल दिया था। अब हमने आपको बोला है कि एक और लीडर ने इस केस का जिक्र हियरिंग के दौरान किया है, पर आपको बता दें कि जिस केस हियरिंग की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो असल में पाकिस्तान में हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, जेल्ड फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 5 जज बेंच के सामने, जिसमें कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा भी मौजूद थे, के सामने दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की बात उठाकर पूरे देश को झटका दे दिया है। इमरान खान के खिलाफ चल रहे एक केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का जिक्र किया है कि कैसे केजरीवाल वॉज रिलीज ऑन बेल बाई द एपेक्स कोर्ट अहेड ऑफ द इंडियन जनरल इलेक्शन फॉर कैंपेनिंग फॉर हिज पार्टी। पर वही इमरान खान पाकिस्तान में हरासमेंट फेस कर रहे हैं, विच इज अंडर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। उन्होंने कम्प्लेन किया है कि उन्हें पाकिस्तान में हुए जनरल इलेक्शन के ठीक 5 दिन पहले कन्विक्ट कर दिया गया था। अब भला इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का दूसरी कंट्री में भी जिक्र होना इंडिया के लिए खुशी की बात है या फिर दुख की, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। पर आपको बता दें कि दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल जहां जेल में अभी तक बंद है, वहीं उनके पर्सनल एड का भी कुछ अच्छा हाल नहीं चल रहा है। स्वाति मलिवाल द्वारा लगाए गए सेक्सुअल एलिगेशन केस में बिभव कुमार बुरी तरह से फंसे दिख रहे हैं और जहां उनकी बेल एप्लीकेशन राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा डिसमिस की गई थी, वहीं उन्होंने इस केस में एक दूसरा एप्लीकेशन 30,000 कोर्ट में फाइल किया है और जिसका भी अब फैसला आ चुका है। और एक बार फिर बिभव कुमार को निराशा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि स्पेशल जज एकता गौबा मन ऑफ 30,000 कोर्ट ने उनकी इस दूसरी बेल प्ली को भी रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने ऑर्डर में द जज हैज स्टेटेड दैट कंसिडरिंग हर एलिगेशंस दैट शी हैज बीन असॉल्टेड एंड ब्रूटली बीटन अप एंड हर मॉडेस्टी हैज बीन आउटरेज्ड बाय एप्लीकेंट अक्यूज्ड बिभव कुमार इन द ड्रॉइंग रूम ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द ऑनरेबल CM, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एप्लीकेंट अक्यूज बिभव कुमार बींग द पर्सनल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल CM एंड अलेज टू हैव मिसबिहेव नॉट ओनली विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द सेम पार्टी बट ऑल्सो विद अ लेडी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली CM के घर में जब उनके पार्टी के मेंबर्स के साथ ही ऐसा हो तो आम जनता के साथ तो कुछ भी हो सकता है। एंड स्टेटेड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एप्लीकेंट अक्यूज बिभव कुमार इज अलेज टू हैव मिसबिहेव विद अ लेडी मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एट द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द ऑनरेबल CM वेयर नॉट ओनली द इलेक्टेड members of their political party could meet the Honorable CM, but even the general public could go and meet the Honorable CM regarding their grievances. This creates fear and panic in the mind of general public to meet their leader. जिसकी वजह से ही दिल्ली कोर्ट ने बिभव कुमार की बेल प्ली को डिसमिस कर दिया है। उन्होंने ये भी पाया कि बिभव कुमार बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, जो कि विक्टिम के साथ साथ विटनेसेस और एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। जहां बिभव कुमार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, वहीं उनकी नज़र अब दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर टिकी है, क्योंकि उन्होंने अपने फर्स्ट बेल एप्लीकेशन के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां जस्टिस
स्वर्णकांत शर्मा ने उनकी प्ली सुनी है और इस मामले में अपना फैसला भी रिजर्व कर लिया है। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एक अक्यूज्ड की सुनवाई के दौरान इस मामले को जल्दी निपटाने को कहा है, तो आपको बता दें कि एक प्ली हैदराबाद बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिलाई वन ऑफ द अक्यूज्ड इन द केस द्वारा फाइल की गई थी, जिसमें कि उन्होंने कमेंसमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन द केस को चैलेंज किया है। ही सेड दैट द सेम शुड बी डिफर्ड टिल सीबीआई कंप्लीट्स इट्स प्रोब। और जैसा कि हमें पता ही है कि अभी तक इस मामले में ईडी और सीबीआई आए दिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किए जा रहे हैं। पिलाई ने इसे लोअर कोर्ट में भी चैलेंज किया था, पर उन्होंने इसे डिसमिस करते हुए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है, जहां ये मामला अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के पास आ पहुंचा। इस मामले में पिलाई ने आर्ग्यू करते हुए कहा है कि FIR was registered on August 17, 2022 and even after the lapse of more than 15 months, the same is still not concluded and now the prosecution under the garb of expeditious trial cannot be permitted to prejudice the present petitioner applicant. जिसकी वजह से ही उन्होंने कहा है कि CBI अपनी जांच खत्म करने तभी arguments on charges शुरू हो तो सही होगा। हालांकि इस argument से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा बिल्कुल भी अग्री करते हुए नजर नहीं आई है, जिसके बाद उन्होंने इस केस में ट्रायल कोर्ट को तुरंत से आर्ग्यूमेंट शुरू करने की सलाह दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा स्टेटेड द काउंसिल वो प्रेफर टू फाइल रिटन सबमिशंस मे फाइल इट ऑन द सेम डे दे कंक्लूड आर्ग्यूमेंट्स। इट विल नाउ डिपेंड ऑन द अक्यूज्ड पर्संस एज टू हाउ मच टाइम विल दे टेक टू एड्रेस आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज इंडिविजुअली और कलेक्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल। द लर्नर ट्रायल कोर्ट इज रिक्वेस्टेड टू एंश्योर शॉर्ट डेट्स आर गिवन फॉर द अबव पर्पस। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा भी है कि जैसे ही इस केस में सीबीआई फाइल्स इट्स सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगेंस्ट अक्यूज्ड की कविता, तो वैसे ही ये सेम डॉक्यूमेंट पर्सन को हियरिंग के फर्स्ट डे ही मिल जानी चाहिए, ताकि किसी का भी समय बर्बाद ना हो। द कोर्ट फर्दर स्टेटेड द लर्नर ट्रायल कोर्ट विल देयर आफ्टर गिव शॉर्ट डेट्स इन दिस केस फॉर स्क्रूटनी ऑफ द सेट डॉक्यूमेंट्स। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल ऑल्सो इंश्योर दैट द कॉपीज विच आर गिवन टू द अक्यूज्ड पर्सन आर लेजिबल एंड पेजिनेटेड। द accused persons may go through the said copies and inform the investigating officer about any deficiency in the hard copies and digitized copies within 2 days. आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से इसलिए भी इंटरफेयर करने से सख्त मना किया है कि 16 persons have already been charged. इससे ये तो साफ है कि जब भी इस मामले में arguments on charge होंगे तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग होंगे और मामला और बिगड़ जाएगा जब आए दिन न्यू सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में फाइल होते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर accused person, the hearing on arguments on charge may then be halted and copies of such charge sheet may be supplied to all the accused persons. और इसी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया है कि therefore this court is of the opinion that no interference at this stage is required by this court in the impugned order as the learned trial court has already taken note of the grievance of the present petitioner and the said order does not suffer from any infirmity. इन्हीं सब के साथ आपको बता दें कि इस स्कैम में सीबीआई ने बीआरएस लीडर की कविता के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन अ दिल्ली कोर्ट फाइल कर ही दी है, क्लेमिंग देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोसिक्यूट हर इन द मैटर। कविता जिनकी जुडिशियल कस्टडी 21 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है के खिलाफ ये फाइनल रिपोर्ट सीबीआई द्वारा हैज बीन फाइल्ड बिफोर दिल्लीज राउस एवेन्यू कोर्ट विच विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर ऑन July 6th। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और इस एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े लोगों को राहत मिलती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।